और बिल्कुल ध्वस्त कर दो इनकी नेटवर्क, आरएसएस का नेटवर्क। आरएसएस ही बीजेपी की जान है। इस नेटवर्क में सोशल मीडिया, आपने तो पढ़ा होगा, अभी अमित शाह जी बता गए सोशल मीडिया वालों की मीटिंग में अपने लोगों की, इससे झूठी सांची खबरें बर्बाद हो। बोले अखिलेश ने खबर चला दो, अखिलेश ने मुलायम सिंह के थप्पड़ मार दिया, तो 200 किलोमीटर दूर वाले थोड़े जानते, कुछ तो सही मानेंगे ही। एक राष्ट्रीय पार्टी का, देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को, सोशल मीडिया के प्रभारियों को अगर इतना असत्य प्रचार करने के लिए उत्साहित करेगा, तो आप कल्पना कर लीजिए कि इस देश को ये लोग कहाँ ले जाएंगे। बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी अगर ये नहीं हटे, और हटेंगे मैं 100% मुझे भरोसा है कि अब एक राज्य, अभी 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, आप देख लेना राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों में बीजेपी चुनाव हारेगी, कोई चिता नहीं चकता। उसके बाद अपने आप देश की हवा देखिए, तो उनकी नेटवर्क तो हमेशा आरएसएस का रहा है और बीजेपी को हराया भी है हम लोग। हमें अभी तो जो सीट कभी नहीं बीजेपी हारी थी, जो मुख्यमंत्री की सीट थी गोरखपुर की, उस पर हरा दिया। जो उप मुख्यमंत्री की सीट थी उस पर हरा दिया। जो कैराना की सीट थी उस पर हरा दिया। कि नहीं, जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। हमने कि आपको बहुत गलत फहमी है, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत लड़ाकू हैं, और संग्राम में अगर काल भी सामने आ जाएगा तो उसका मुकाबला करेंगे, उसको पराजित करेंगे। वो मेरे मुंह की तरफ देखने का क्या कह रहे हैं प्रभु साहब, मगर यही कह रहे हैं आप देखना चुनाव के परिणाम, आप देखना कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल क्या दुर्गत करते हैं बीजेपी। ओए होगी अब की, न कोई नारा चलेगा, न हिंदू मुस्लिम चलेगा, लोगों के पेट पर जब लात लगती है तब वो एहसास होता है कि हटाओ इनको, इनको जब तक नहीं हटाओगे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। आपके बच्चे भी रोजगार हो रहे, मजदूर भूखो मर रहा, तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चलता है। अभी केपी सिंह जी ने बताया कि बीजेपी के जिला प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों के द्वारा लोगों को चेक दिए गए कि पैसा आपके अकाउंट में चला गया, और पैसा जब चेक लेके पहुंचे तो पैसा एक भी नहीं। आप समझते, इससे बड़ा जनता के साथ कोई धोखा और फ्रॉड हो सकता है? हम सब जानते हैं, अब तो ये कानून बन गया है, था तो पहले से, लेकिन संशोधन हो गए। पहले 1 साल की सजा थी, अब 2 साल की सजा कर दी है। संसद में कानून पास हो चुका है कि जिसका चेक बाउंस हो और जिसने वो चेक दिया है अगर वो FIR कर दे तो मिनिमम 2 साल की सजा होगी। ये सब MLA और अधिकारी सब नप जाएं अगर कोई हिम्मत करके FIR कर दे इनके खिलाफ। तो हर तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, बेरोजगार कर दिया है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। पत्रकार बंधु सब जानते हैं, 3 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या 4 दिन पहले जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि बड़े बकायादारों के 3,18,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिए हैं वित्त मंत्रालय ने और बैंकों ने। राइट ऑफ जानते क्या होता है? बट्टे खाते में डाल दिए, उनसे अब मांगे नहीं जाएंगे, बट्टे खाते में डाल दिए। जो रुपया लेके भाग गए नीरव मोदी एंड कंपनी, या वो MP था राज्यसभा का, क्या नाम है, विजय माल्या, इनसे वसूले नहीं जाएंगे, बट्टे खाते में चले गए। और मालूम है रुपया कितना है? हिंदुस्तान के केंद्र सरकार का जो
बजट है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सोशल सेक्टर का, उससे दोगुना ज्यादा है, दोगुना ये माफ कर दिया। तो इसलिए आप सब लोग इस गवर्नमेंट, अच्छा एक विकास काम नहीं, किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, पूछो यहां की एमएलए से, सिर्फ बालू के ट्रकों को निकलवाने के अलावा इसका और भर्तना की एमएलए का, दोनों का कोई दूसरा काम नहीं है जनता के लिए। ये नहीं कि एक हैंडपंप भी लगवा दिया हो तो कोई हाथ उठा के बताए, 100 मीटर कहीं किसी गांव में गली बनवा दी हो तो बताए, सड़कों की तो बात छोड़िए, एक भी विकास काम नहीं। जो अखिलेश करा गए उनका उद्घाटन करके अपनी पट्टी लगा रहे, सबको पढ़वा देंगे जब आएगी सरकार, भाई जिसने किया है वही की लगे चाहिए, बेईमानी करोगे तो बेईमानी तो ठीक है, बेईमानी को खत्म करना भी जरूरी होता है।